जिहड़ा हरदीप सिंह, हरदीप सिंह की भी उत्थे मौत हो चुकी है। ड्रोन हमला होया सी, ड्रोन हमले दे विच रोंदा खिलोंदा परिवार हुण दुख सहारन दा ईश्वर रब मौका देवे। कितने शरदा दे फुल भेट किए जा रहे हैं। देखो यह तस्वीर जिथे कि एयरपोर्ट से असं मौजूद हैं, एयरपोर्ट से जिथे मृतक देह पहुंचिया ने दोनों नौजवानों दी। श्रद्धांजलि दी जा रही है, परिवारिक मैंबरों वालों श्रद्धांजलि दी जा रही है। पंजाब नूं एक होर घाटा पै गया। पंजाब दे विच दो नौजवान जिहड़े कि अपने घर का सिलसिला चलाने वास्ते बाहर दे देश गए सन, दुबई गए सन, तो आबू धाबी दे विच जो एक विस्फोट हुंदा, ड्रोन विस्फोट हुंदा, उहदे विच उहनां दी मौत हो जाती है। एक हरदेव सिंह अते दूसरा हरदीप सिंह, तीसरा पाकिस्तान का एक नौजवान भी कहा जाता जिहदी कि मौत हुई है। तो हुण जांच की जा रही है कि किस तरीके दे नाल इह जिहड़ी घटना वापरी है। वड्डा सवाल है कि अपने परिवार को चलाने वास्ते कितना कितने यह बाहर का रुख किया। कहा जाता कि 4 साल हो चुके ने यह बाहर गए से। हरदेव सिंह की फोटो तुहानू एक बार दिखा दें, सांझी कर दें। यह हरदेव सिंह है जिहड़ा कि बाहर गया से आबू धाबी दे विच काम करने वास्ते, उत्थे लगातार अपने परिवार का सिलसिला चलाने वास्ते बाहर सी। तो दूसरा यह जिहड़ा हरदीप सिंह, हरदीप सिंह की भी उत्थे मौत हो चुकी है। ड्रोन हमला होया सी, ड्रोन हमले दे विच दोनों जणिआं दी जान गई है। एक बाबा बकाला दा दस्सिया जा रहा, तो दूसरा मोगा साइड दा दस्सिया जा रहा। जिहड़ा हरदीप सिंह है वह बाबा बकाला दा अते हरदेव मोगे दा दस्सिया जा रहा जिहदी कि मौत होई है। बीते सोमवार कहा जा रहा कि आबू धाबी दे विच ड्रोन हमला होया सी जिहदे विच इस नौजवान की मौत जिहड़ी है होई है। तो परिवारिक मैंबर कितना कितने मांग कर रहे हैं कि जल्द तो जल्द जाँच की जाए कि आखिरकार सच्चाई की है। वड्डा सवाल इत्थे इह खड़ा हो रहा कि क्यों इस तरह की घटना वापरी है जिहदे नाल इह सारा कुछ होया। आबू धाबी दे विच एयरपोर्ट विच हमला होया सी, तां इह दोने नौजवान जिहड़े कि उत्थे काम करदे सी ऑयल दा टैंकर चलांदे सन। तां वड्डी गल है कि जिहड़े उहदे नाल नौजवान उत्थे मौजूद सन, असीं उहनां दे नाल वी गल्लबात करके देखते हैं। भाजी नाम की तुहाडा? जी मेरा नाम गगनदीप सिंह। गगनदीप जी, होया की सी सारा विस्तार दे विच दस्सो, तुसीं इहनां नौजवानां दे नाल ही हुंदे सी उत्थे? ब्रदर नहीं, मेरा वो कजन ब्रदर सीगा। तां जिवें नाल तां नहीं, बट वो एक टाइम सीगा जिस मतलब वो एक एडनॉक कंपनी है, बड़ी रिस्पेक्टफुल कंपनी है। ये उत्थे मतलब जॉब करदा सीगा, उनकी टैंकर ड्राइवर सीगा, एक ही फिलिंग लोडिंग कर। हाँ हरदीप, तां जदों ये इंसीडेंट होया अनफॉर्चुनेटली ही वास्ते मतलब ये उत्थे सीगा ऑन टाइम, तां करके एक्सीडेंट हुआ। बट वो क्यों होया जिदा तो खबर ने कि जस्ट एक ड्रोन ना हमला होया, उदा ही सानू पता जो। बट वी टॉक टू अवर इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी टॉक टू यूएई फॉरन मिनिस्टर, इट इज़ देयर इंटरनल कंट्री सिक्योरिटी, ओके, स्टिल दे आर इन्वेस्टिगेट, बट दे श्योर अस वैन उन्होंने जो रिपोर्ट फाइनल हो जूगी दे विल डिस्कस विद। जांच होने दे विच जल्द तो जल्द सामने लिया जाएगा सारा कुछ। तुहानू की लगता है कि जस मतलब उन्हों की जो आई विल नॉट टू बी मैं उस कमेंट से गल ही नहीं करता, बट मैं ये कहना कि जस अपनी मिनिस्ट्री दे आर इन टच यूएई फॉरन मिनिस्टर जिहड़ा साडा उत्थों का इंबैसडर सीगा, आई रियली अप्रीशिएट उत्थों की जिहड़ी अपनी यूएई एम्बैसी इंडिया ना बहुत वधिया वर्क किया, सानू भैणा वांगू भावां वांगू डील किया। फिर जिहड़ी रियलिटी है, फिर उन्होंने मतलब उत्थों का सिस्टम, उत्थों की यूएई मिनिस्ट्री, दे टॉक टू अस मिनिस्टर, दे टॉक टू बाय टेलीफोन, उत्थों की कंपनी दे फुल सपोर्ट अस एवरीथिंग, बस मतलब जो भी जेनुअन जो भी होना चाहिए कि उन्होंने सानू फुल हेल्प दी। उही है कि जस्ट अं मतलब ओके जस्ट स्टार्टिंग थोड़ा ये एक्सीडेंट होया 17 उन्होंने फर्स्ट डे जो फर्स्ट एंड सैकेंड डे, बट ड्यू टू देयर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन दे वी नॉट इनफॉर्म टू फुली एवरीथिंग, दे नो बडी कैन ओपनली कोई कुछ नहीं कहता। बट जो उन्होंने मतलब कुछ क्लीयरेंस कुछ जब लगा उस तो बाद आफ्टर पुलिस क्लीयरेंस इट्स वेरी स्मूथ, बहुत बहुत स्मूथ, मतलब इंडियन एम्बेसी भी इमीडिएटली साढ़े नाल ही रहेगा, ईवन सानू मतलब हुण तक मेरे टच च ने
कोई मैसेज करना कुछ भी रीच कर गए हो कोई प्रॉब्लम तो नहीं कितने पहुंचे हो बहुत ऐसा मैं जिदा तो क्या कि भैन भावों उन्होंने अलगा सू कि साढ़ा घर उ गल करिए मेरे तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर से रैशो की अकोमोडेशन जी पर जी जॉब करता तकरीबन 25 किलोमीटर दूर से ठीक है बट मैं भी टाइम ड्यूटी से शामी सानू पता लगा है ते उस तो बाद फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। किस तरह सारी खबर पहुंची थी? मेरे को इन्होंने गगनदीप ने कॉन्टैक्ट किया मेरे नाल ठीक है भी इस तरह करके मिसिंग होया ठीक है बट अं लोकेशन पर गए हैं फिर बट वो टाइम वो पूरा उन्होंने सिक्योरिटी का आया अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ठीक है तो उन्होंने अलाउ नहीं किया ठीक है बट नैक्सट डे गए हैं फिर उन्होंने पूरा कॉम्प्रोमाइज किया साढ़े नाल दस्या कितने कितने बॉडी कितने हो सकती है कितने नहीं है फिर अं पूरा टैंकर फिल कर रहा जो होया तुहानू सब कुछ ठीक है ना बट वो कंपनी ने कंपनी अंबैसी ने सानू पूरी फुल सपोर्ट की है एप्रीशिएट अंबैसडर ऑलसो वो कंपनी ने सानू किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी सर उन्होंने फुल सपोर्ट किया प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि परिवार का जी चला गया तो जे उस तो बाद भी प्रॉब्लम आए तो वही गल है तो हम परिवार वालों तो कहा जा रहा है कि जल्द तो जल्द जांच की जाए जांच के सामने क्या आता है यह देखने वाली गल होगी फिलहाल उन्होंने मृतक देहां जिहड़ियां ने दोनों नौजवानों दी जिहड़े पंजाब दे नौजवान ने उन्होंने देहां इत्थे पलां दे विच पहुंचने वाली जिथे उन्होंने सन्मानित किया जाएगा जिहड़ी स्टेज उत्थे लगी उस जगह उत्ते रख के कहा जा रहा है कि सन्मानित किया जाएगा तो देखते हैं कि कार्रवाई जिहड़ी है जल्द तो जल्द जांच नूं किस तरह अमल च लिया जाता तो यह मृतक देहां जिहड़ियां ने एयरपोर्ट के पहुँच चुकिया ने जिथे कहा जा रहा है कि श्रद्धांजलि दी जाएगी बॉक्स के पैक जिहड़ियां ने अमृतिक देह इतने पहुँच चुकिया ने परिवारिक मैंबर इतने पहुँच चुके हैं एक असं कह सकते हैं कि एक घाटा जरूर पे परिवारों को घाटा जरूर पे जोड़ा कि दो परिवार के जोड़े चिराग हमेशा लिए पहुँच गए हैं एक बाबा बकाला दसया जा रहा तो दूसरा जोड़ा वह मोगे का दस जा रहा नौजवान हरदेव और हरदीप है जोड़ा कि जिन्हें मृतिक देह इतने लिया गई है उन्होंने ड्रोन हमला किया जा रहा है ड्रोन हमला होया जो यह घटना वापरी सी तो उस तो बाद तीन जने की उत्थे मौके उत्ते मौत हुई सी दो पंजाब के नौजवान सन मोगा अते बाबा बकाला और एक नौजवान होर सी जिहड़ा कि पाकिस्तान दा दस्से जा रहे जिहदी मौत हुई सी तां मौत होण तों बाद अज उन्हां दी मृतक देह जिहड़ी है वह इत्थे लिआंदी गई है वड्डी गिणती विच पुलिस अधिकारी मौजूद ने परिवारिक मैंबर मौजूद ने तो नाल दे नाल परिवारिक मैंबर वालों यह भी कहा जा रहा कि जांच की जाए आखिरकार कारण की सी क्योंकि जिन्ना क पता सब नूं है कि यह नौजवान की मौत जी ड्रोन हमले के नाल हुई है तो उन्ना की पता सानू है पर जांच की जाए आखिरकार घटना वापरी की सी आखिरकार की होया सी जिहदे नाल एडा वड्डा धमाका होया धमाके दे नाल नौजवान की मौत हो गई तो देहां देख सकते हैं दोनों देहां जिहड़ियां इत्थे पहुँच चुकी ने जिन्हों का राष्ट्रीय सम्मान किया जाएगा उस तो बाद परिवारक मैंबरों को यह मृतक देहां सौंप दी जाएंगी जिहड़ियां कि अपने अपने जगह पर लिजाई जाएंगी एक मोगे से दूसरी बाबा बकाला दे विच लिजाई जाएगी कि उन्हों का अंतिम संस्कार मान सत्कार किया जाएगा तो परिवारिक देखा जाए तो परिवारिक मैंबर दिस करके ही यह दोनों नौजवान कहा जाता है कि बाहर गए से एक नौजवान जोड़ा कि हरदेव आ नवा नवा विआह होया जोड़ा कि बीती लोहड़ी ऑनलाइन लोहड़ी भी उन्हें कहा जा रहा है कि मनाई सी तो एक वड्डी तस्वीर अज तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं जिथे एक परिवार नहीं दो नहीं तो कि तीन तीन परिवारों को घाटा पिया एक पाकिस्तान का नौजवान से दो नौजवान जोड़े कि यह पंजाब के रहने वाले मोगा और बाबा बकाला के रहने वाले आ जोड़े परिवारिक मैंबर देख सकते जी कि ना कि माहौल बनया एक दर्द का माहौल बनया एक अफसोस का माहौल बनया हुआ जिस तरीके इतने मृतक देहां इतने पहुंचिया हुई ने यह तस्वीर साझिया कर रहे थोड़े न
ਰੋਂਦਾ ਖਲੋਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਰੱਬ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਮ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਗਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਗਏ ਨੇ। ਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਅ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਲੜਕਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ? ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਮੈਸਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਥਾਣਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਬੂਧਾਬੀ ਵਿਖੇ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 27 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਯੰਗ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਬੂਧਾਬੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਔਰ ਯੰਗ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਦੀਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
मृतक देहां जिहड़ियां ने सौंप दित्तियां गईयां ने पुलिस प्रशासन वालों ते एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों सारी वेरीफाई करके जांच करके दस्तावेज अपने हाथ च रख के तो ये बॉडियां जिहड़ियां ने परिवार नूं दे दित्तियां गईयां ने तो जिन्हों का अंतिम संस्कार किया जाएगा मान सम्मान देना उन्होंने शहर के उन्होंने पिंड जाके उन्होंने अंतिम संस्कार किया जाएगा तो कितना कितने असी घाटा जरूर कह सकते कि परिवार को वड्डा घाटा पिया जिन्हों हूँ श्रद्धांजलि दी जा रही है जो दो नौजवानों की मौत होंगी है आबूधाबी के ड्रोन हमला हों जिस तरीके साढ़े नाल जानकारी साझी की गई कि हमला हों ड्रोन हमला हों जिद इन दोनों नौजवानों की मौत हो जाती है दोनों नौजवानों की मौत होने तो बाद परिवार को वड्डा झटका बजता है कि नौजवान की मौत तो हो गई पर सिर्फ तो सिर्फ किया जा रहा कि 8 महीने ही हरदीप के ब्याह हुए सन तो 8 महीने बाद दुखद खबर जी है सुन मिली परिवार को किया जा रहा कि लोहड़ी का त्यौहार जोड़ा ऑनलाइन मनाया गया सी इस परिवार वालों लोहड़ी का त्यौहार मनाया गया सी ऑनलाइन हरदीप वालों आने की गल की जा रही थी कि मैं आऊँगा जल्द तो जल्द आके परिवार के नाल कुछ गल्लां सांझियां करांगा दुख सुख सांझा करांगा तो इस तरह की गल जरूर कही जा रही थी पर एक वड्डा झटका जिहड़ा परिवार को उदों वजदा जदों पता लगता है कि दोनों नौजवानों की मौत हो गई है तो वड्डा सवाल है कि आखिरकार होया की सी आखिरकार क्यों तो किस तरह इन्हां नौजवानों की मौत हुई है किस तरह ड्रोन हमला होया की होया सारी जाँच जी है लगातार की जानी चाहिए परिवारिक मैंबर की भी यही मंग है कैमरामैन संदीप दे नाल सुखचैन सिंह डेली पोस्ट पंजाबी अमृतसर।